तो कैसा मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो ईपीएफओ में मोबाइल नंबर आता है उसको कैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो बहुत ही सिंपल सब स्टेप्स है, तो आप मेरे वेबसाइट में भी डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप जाके पूरा स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे, पहले आपको ईपीएफओ का पोर्टल यहाँ पे खोल लेना है। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पाएंगे, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जो पहला लिंक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह का होम पेज दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज के ऑप्शन में आपको फॉर एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सर्विसेज में मेंबर यूएन और ऑनलाइन सर्विसेज ओसीएस और ओटीसीपी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपको ले जाएगा लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे केस में एक्टिवेट यूएन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तो हमारा जो एक्टिवेट यूएन का जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता है, तो आपको एक्टिवेट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा पहले से एक्टिवेट है। तो मैं यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड ये सब डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो अगर आपको इसको नहीं पता यूएन पासवर्ड वगैरह कहाँ से मिलता है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ एक्टिवेशन का, नो योर यूएन का, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो लॉगिन कर लीजिए पहले। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का होम पेज दिख जाएगा, बहुत ही सिंपल सा होम पेज है, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपको यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, तो मेरे केस में हिडन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मैनेज का, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर व्यू के साइड में मैनेज। अब जैसे यहाँ पे मैनेज के ऊपर टॉगल करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे, तो उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप दोनों चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देखिए चेंज मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करना है आपको, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे टिक करके इसको। अब टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे में अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, तो ये बाई मिस्टेक मैंने गलती से कुछ और क्लिक कर दिया था। तो नीचे देखिए चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर, री एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं वो आधार से लिंक है तभी आप यहाँ पे डालें, नहीं तो ये आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार लिंक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब जो नंबर मुझे चेंज करना है, और गेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल नंबर पे जो एक ओटीपी यहाँ पे देख पाएंगे, योर ओटीपी आईडी, तो ये हमारा आईडी है, तो ये हमारा ओटीपी नहीं है, आईडी है। और इस आईडी से रिलेटेड, ओटीपी आईडी से रिलेटेड एक पिन आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर आप दिए हैं वहाँ पे। तो चलिए उसको डाल के मैं यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेंबर न्यू मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक दे आधार कंसेंट टू गेट ओटीपी टू आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे देख पाएंगे तो ये बोल रहा है कि आपके अब वेरिफिकेशन के लिए आपका जो आधार लिंक्ड है मोबाइल नंबर से, उसके ऊपर भी एक ओटीपी जाएगा, तभी आपका एक बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद गेट ऑथराइजेशन पिन के ऊपर क्लिक कर दें। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो पिन आया होगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है उस पर एक लिंक सॉरी जो ओटीपी आया होगा डाल दें यहाँ पे पिन। तो डालने के बाद आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मोबाइल नंबर, जैसे ही सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। और यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो न्यू मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे वेरीफाइड और चेंज होके आएगा, तो लास्ट 4 डिजिट दिखाता है यहाँ पे, तो मेरे केस में मैंने इसको ब्लर किया है। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जाके वेबसाइट पे भी इसको जो भी स्टेप्स किया हूँ मैं उसको देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या कोई सवाल करना चाहते हैं, डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहे मेरे चैनल पे, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।